नक्सल समस्या को लेकर सदन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं, आने वाले कुछ दिनों में जय श्री राम गूंजेगा। साथ ही कहा कि नक्सलवाद को लेकर पिछली सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी। नहीं, मैं अपने भावों से कहूं तो मुझे लगता है कि बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या जी में देश के प्राण की प्रतिष्ठा भी हुई है और इसलिए अब वहां जय श्री राम होना चाहिए। इधर विजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कहीं तो राम को छोड़ देते, आस्था अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। विजय शर्मा ने कहा है कि कुछ दिनों में बस्तर में जो है वो अब लाल सलाम नहीं होगा, कुछ दिनों में जय श्री राम होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ राम का ही चिंता है उनको, मतलब न उनको जनता का चिंता है, न उनका किसान का चिंता है, न उनको मजदूर का चिंता है, न युवाओं का चिंता है, न बेरोजगारों का चिंता है, उनको सिर्फ भगवान राम का चिंता है। मतलब सोच लीजिए, आप छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जा रहे हैं आप। मैंने हम लोग शुरू से कहे, आज भी कह रहे, आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन आस्था को राजनीति का केंद्र बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत है। बस्तर 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 में अगर देखें, पिछले 5 सालों में जितने घटनाएं नहीं हुई, ये 2 महीने उससे ज्यादा घटनाएं हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है और राम पर सियासत जारी है। नक्सलवाद भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल राम और नक्सलवाद को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में एक के बाद एक घोटालों की गूंज सुनाई दे रही है। आज महादेव सटैप का मामला भी उठा। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महादेव ऐप का मामला गूंजा। विधायक राजेश मूणत ने सदन में महादेव सट्टा ऐप का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सट्टे के जरिए युवाओं को ठगने का काम किया गया। मैं लगातार 2 साल से इसके खिलाफ में लड़ता रहा हूं। ठीक। मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किस किस से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर FIR दर्ज हुई, और FIR होने के बाद में अभी तक एक भी FIR तो हुई है अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सट्टा ऐप से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें 2022 से अब तक 90 FIR हुई हैं। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। दुबई तक इसके कनेक्शन की जांच होगी। कोई मछली भी नहीं, मगरमच्छ भी हो, हाँ, तो भी पकड़े जाएंगे। आपने बहुत बढ़िया, चलिए आपसे ये कहता हूँ, ठीक ठीक, अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है उपलब्ध कराएं। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है। 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ED के चालान के संदर्भ में ले लें, या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा घोटाले को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था, कांग्रेस पर बड़े आरोप भी लगाए थे। अब बीजेपी सत्ता में है और इस मामले में बड़े एक्शन की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है, ऐसे में वित्त मंत्री ने खास बातचीत की है न्यूज 18 से। छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, हमारे साथ हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी। कल छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत होने वाला है, फोकस किस पे होने वाला है, क्योंकि लगातार सरकार जो है विकास की बात करते रही है। कल का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस के माध्यम से फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, हमारी संस्कृति, हमारे समाज के सभी पक्षों को ध्यान देना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल का बजट हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नहीं, पिछली सरकारों की तुलना में भी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है और अभी वर्तमान वर्ष में जो
वित्तीय वर्ष 2023-24 उसके जीडीपी विकास का जो आकलन है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से 6.56% का है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.32% का है। तो जो 5 सालों में माफिया राज और भ्रष्टाचार चला, अव्यवस्था फैली रही, उसके कारण इकोनॉमी भी स्लो डाउन हुई है। हर जगह हम सिस्टम जब खराब होता है तो सरकार के खजाने में कम पैसा आता है और जो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है। जब हम कहीं पर सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं, सिस्टम को बना देते हैं, तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है। तो हम निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर डिपार्टमेंट में हर जगह जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जो एनआरकी फैली हुई थी, उसे समाप्त करके व्यवस्था स्थापित करने के लिए की रणनीति पर आगे आएंगे, जिससे सरकार के खजाने में पैसे बढ़ेंगे और सरकार के खजाने में पैसे बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई। राहुल गांधी ने रायगढ़ में जाति जनगणना को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई है। रेंगार पाली चेक पोस्ट में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को झंडा थमाया। रायगढ़ में अपने भाषण में राहुल गांधी ने फिर से जातीय जनगणना की बात को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़े वर्ग का डाटा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। तो जब हमने ये यात्रा खत्म की, बहुत सारे लोग आए, उड़ीसा से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए, उन्होंने कहा देखिए आपने साउथ से नॉर्थ कर दिया, मगर बाकी प्रदेशों का क्या होगा, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, झारखंड का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। हम इस बात से सहमत हुए, बात एक्सेप्ट की और मणिपुर से महाराष्ट्र तक हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सीएम साय ने कहा कि इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी पहले भी न्याय यात्रा कर चुके हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों को, आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं, अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। रायगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा और सभा से पहले विवाद शुरू हो गया। पूर्व विधायक प्रकाश नायक को सभा स्थल में जाने से पुलिसकर्मियों ने रोका तो पूर्व विधायक प्रकाश नायक धरने पर बैठ गए। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर में बने स्काई वॉक का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। अब जबकि ईओडब्ल्यू ने इसमें भ्रष्टाचार नहीं माना तो विधानसभा में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूलत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कानूनी कार्रवाई की बात कही। शिकायत की गई कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदित करके भेजा। उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नवंबर के अंदर उस शिकायत के ऊपर ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट कहा है इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पैदल पथ यानी कि स्काई वॉक, इसे लेकर के लगातार 5 साल राजनीति होती रही, यही वो स्काई वॉक है। 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई, उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 3-3 कमेटियां बनाई गई, जांच के आदेश भी दिए गए और साथ ही साथ ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत की गई है, लेकिन ईओडब्ल्यू ने पूरी जो फाइल है वो नस्तीबद्ध कर दी है। इस मुद्दे को लेकर के अभी भी सदन में जो मामला विधानसभा में जमकर गूंजा और जमकर इस पर बवाल भी मचा। आखिरकार स्काई वॉक की फाइल को नस्ती कर दिया गया है और इसे भ्रष्टाचार से मुक्त पाया गया है। तो अब आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, जब भ्रष्टाचार था ही नहीं तो इसकी शिकायत क्यों की गई, ईओडब्ल्यू के जांच के आदेश क्यों दिए गए। अब बीजेपी उल्टा कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद रानू साहू को फिलहाल जेल में रहना ही पड़ेगा। बीती 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अंबिकापुर में कांग्रेस पार्षद पति और पुत्र की गुंडागर्दी और मारपीट का मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्षद पति बालेश्वर तिर्की की मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि कांग्रेस पार्षद पति बालेश्वर तिर्की महतारी बंधन फॉर्म भरने से रोक रहा था। विरोध करने पर फॉर्म भर रहे लोगों से गुंडागर्दी करने लगा और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से जमकर उसकी पिटाई कर दी। वहीं कुल्हाड़ी और तलवार से मारने की धमकी भी दी। मारपीट करने पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता आक्रोशित हो गई और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस लोग मेरे से पूछने आए कि दीदी जी यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या चीज लग रहा है। हम बता रहे थे उसको, उसी बीच वो आकर के हम लोग से बहसबाजी कर रहा है। बहसबाजी करते करते उसी बीच यानी कि बड़े अधिकारी आए, वो हम लोग से पूछ रहे थे तो वो उनके साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा है और हमसे ही बदतमीजी से बात कर रहा है। तो मैं बोली भी कि सर देखिए कि अभी आपके सामने बदतमीजी कर रहा है, आपके जाते साथ ही फिर यही चालू हो जाएगा। उनके समझाने के बावजूद बालकेश्वर तिर्की नहीं माना और ये वहाँ कुछ कर नहीं रही थी। ये जो शासन की योजना है, इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये काम कर रही थी और उसमें इनका हाथ इस कदर सूझ गया है कि महिला हाथ नहीं उठा सकती। ये मामला इसमें ये है कि मातारी वंदना योजना के इसमें जो फॉर्म भरने के लिए प्रार्थी लोग गए थे तो वहाँ पे पार्षद के पति बालेश्वर तिर्की और उसके बेटा सुशांत तिर्की के साथ इनके साथ आपस में मारपीट हुआ है। कुछ वाद विवाद बढ़ के उसमें मारपीट हुआ है तो इसमें तुरंत हमने FIR दर्ज कर लिया है, इसमें अभी जाँच जा रही है। खबर महासमुंद से है जहाँ छेड़छाड़ का विरोध देखने को मिला और बागबाहरा कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे, पैदल मार्च कर SDM और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इन छात्राओं ने ट्रक ड्राइवर्स पर अश्लील कमेंट और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल कॉलेज के सामने ट्रक का जमावड़ा रहता है जिस कारण छात्राओं से छेड़छाड़ और सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं। इस मामले को लेकर आक्रोश फूटा छात्राओं का और उन्होंने कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। CGPSC भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य अफसरों और नेताओं पर UW ने FIR दर्ज की है। UW द्वारा PSC भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। वो जो भी दंश झेलना पड़ा है वो तो आप मीडिया लोग को बहुत भली बात ही पता है कि आपने देखा है कि बच्चे कितना रोड पे उतर के आंदोलन किए हैं, आवाज़ उठाए हैं। तो पिछली सरकार में तो कुछ हुआ नहीं था पर ये वाली सरकार में CBI जांच की मांग थी, इसलिए छत्तीसगढ़ के लगभग सारे युवा जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभागी होते हैं उनके द्वारा खुफिया सरकार को पलटा गया। कवर्धा में नक्सल समस्या 1 साल में पूरी तरह से खत्म करने की दिशा